हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करते हो, आज मैं उसी कार्नोट साइकिल को एक थिन लिक्विड फिल्म पर अप्लाई करूँगा। तो चलिए सबसे पहले अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम इरोडोव की प्रॉब्लम 2.183 है। इसमें ये दिया गया है, Considering the Carnot cycle as applied to a thin liquid film, so that in an isothermal process, the amount of heat required for the formation of unit area of surface layer is equal to Q, where Q is minus T d alpha by dT, where d alpha by dT is the temperature derivative of the surface tension. यानी अपने को एक थिन लिक्विड फिल्म दी गई है, अगर अपन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए एरिया को यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करना चाहें तो कितनी हीट अपने को सप्लाई करनी होगी, ये अपने को पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो लोग कार्नोट साइकिल को भूल चुके हैं उन्हें याद दिलाने के लिए मैं कार्नोट साइकिल का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कार्नोट साइकिल फॉर आइडियल गैस चार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें पहली प्रोसेस है प्रोसेस 1-2। इस प्रोसेस के दौरान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और गैस एक्सपेंड करेगी, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड प्रोसेस है प्रोसेस 2-3। इसमें गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगी। एडियाबेटिक एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होगा और गैस का टेम्परेचर T1 से घटकर T2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर थर्ड प्रोसेस है प्रोसेस 3-4। ये प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस को कंप्रेस किया जाएगा, तो गैस स्टेट 4 में पहुंच जाएगी। और फाइनली अपने पास है प्रोसेस 4-1, जिसमें गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाएगा। अब देखिए, पहली प्रोसेस के दौरान गैस हीट अब्जॉर्ब करती है, गैस सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगी। हीट अब्जॉर्ब्ड को मैं Q1 से डिनोट कर देता हूँ। सेकेंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसके दौरान गैस सराउंडिंग के अंदर हीट रिजेक्ट करेगी। हीट रिजेक्टेड को मैं Q2 से डिनोट कर देता हूँ। और फोर्थ प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस अपॉन हीट इंजेक्टेड इनटू द आइडियल गैस, W अपॉन Q1। और कार्नोट साइकिल के लिए ये एफिशिएंसी बराबर होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अब अपन सिमिलर साइकिल थिन फिल्म के लिए भी ड्रॉ करेंगे। थिन फिल्म के लिए कार्नोट साइकिल ड्रॉ करते वक्त सबसे मेन प्रॉब्लम ये आएगी, अपन वर्टिकल एक्सेस पे कौन सा वेरिएबल लें,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लें? तो वर्टिकल एक्सिस पे तो अपने को लेना है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं। आइडियल गैस के लिए अपन ने प्रेशर लिया था, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अपन प्रेशर की जगह सरफेस टेंशन ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन वॉल्यूम की जगह थिन फिल्म का सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ। मान लीजिए इनिशियली थिन फिल्म स्टेट वन में है, स्टेट वन के अंदर थिन फिल्म का एरिया मैं ले लेता हूं ए वन और इसका टेम्परेचर मैं टी वन ले लेता हूं। तो यहां पे जो सरफेस टेंशन होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं अल्फा एट टी वन, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर का फंक्शन होगा। अब कार्नोट साइकिल में जो पहली प्रोसेस थी वो थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस 1-2, प्रोसेस 1-2 जो अपने पास थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान अपने को थिन फिल्म का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है टी वन के बराबर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चूंकि सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है, अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा। तो अपने को आइसोथर्म एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, ये लाइन अपने को आइसोथर्म मिलेगी। गैस सॉरी थिन फिल्म स्टेट वन से स्टेट टू के अंदर ट्रांजिशन कर रही है और इस ट्रांजिशन के दौरान उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया ए वन से ए टू तक इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया में इंक्रीज को अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। इस प्रोसेस के दौरान थिन फिल्म के द्वारा वर्क डन नेगेटिव होगा, उस वर्क डन को मैं W12 नाम दे देता हूं। ये वर्क डन होगा माइनस सरफेस टेंशन ऑफ थिन फिल्म अल्फा एट T1 इनटू सरफेस एरिया में इंक्रीज डेल्टा ए। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। इस प्रोसेस के दौरान अपने को कुछ हीट सप्लाई करनी होगी, जो हीट सप्लाई करेंगे उसको मैं Q1 से डिनोट कर देता हूं। तो Q1 को अपन ये लिख सकते हैं, अगर मान लो सरफेस एरिया यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी होगी उसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं। तो सरफेस एरिया को डेल्टा ए अमाउंट से इंक्रीज करने में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्यू इंटू डेल्टा ए, तो इतनी हीट सप्लाई करनी होगी। अब अपन सेकेंड प्रोसेस लेते हैं जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी, प्रोसेस 2-3, प्रोसेस 2-3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान थिन फिल्म कूल डाउन होगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, अल्फा आपका बढ़ जाएगा। मान लो टेम्परेचर घटकर T1 से T2 हो जाता है तो अल्फा आपका बढ़कर अल्फा एट T1 से अल्फा एट T2 हो जाएगा। तो अब जो नया सरफेस टेंशन है वो मान लीजिए आपका है अल्फा एट T2। अब इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन को अपन एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं ये टेम्परेचर में चेंज इन्फिनिटेजिमली स्मॉल लूं तो उस केस में अपन इस कर्व को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। 2-3 तक का कर्व ये हो जाएगा, ये है स्टेट 3।
इस ट्रांजिशन के दौरान कोई सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4, ये होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब अपन थिन फिल्म का टेम्परेचर T2 मेंटेन रखते हुए उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेंगे। सेम अमाउंट डेल्टा ए से अपन सरफेस एरिया को घटा देते हैं। तो आइसोथर्म को अपन फिर से एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे, तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन कर्व आपके पास रहेगा। ये स्टेट 4 है। और इस प्रोसेस के दौरान थिन फिल्म जो है वो कुछ हीट रिजेक्ट करेगी। उस हीट रिजेक्टेड को मैं Q2 से डिनोट कर देता हूं। थिन फिल्म के द्वारा कुछ वर्क डन भी होगा। अब की बार वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। उस वर्क डन को मैं ये लिख सकता हूं, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 इज इक्वल टू प्लस अल्फा एट T2 इंटू डेल्टा ए, क्योंकि अपन सेम अमाउंट से एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। यानी जो डेल्टा ए यहाँ पे है उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा जो पहले था। A3 - A4 इज सेम एज A2 - A1। तो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3। और लास्ट प्रोसेस होगी प्रोसेस 4 to 1, 4 to 1। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा आपका डिक्रीज करेगा। यहां भी अपन कारो को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से अपन डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अपन टेम्परेचर में जो चेंज है वो इन्फिनिटेजिमली स्मॉल ले रहे हैं। तो मैं इस कारो को 4 to 1 से 1 तक जो कर्व है उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 से 3 तक का कर्व और 4 से 1 तक का कर्व अपन ने स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है। स्ट्रेट लाइन से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि मैं टेम्परेचर में चेंज इन्फिनिटेजमली स्मॉल लेता हूँ। मान लो 2 से 3 तक का जो कर्व है वो आपका इस टाइप का है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर में चेंज स्मॉल लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर आपका T है और यहाँ पे टेम्परेचर T - सम अमाउंट है, तो ये जो बीच का जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट, इसको आप ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो इसीलिए मैंने दोनों जो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं उनके दौरान कारू को मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इंडिकेट किया है। अब अपन इस कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी लिखेंगे। तो एफिशिएंसी जो है वो अपन डिनोट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस अपॉन हीट इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। तो हीट इंजेक्टेड तो Q1 है, जिसकी वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू स्मॉल Q इंटू डेल्टा ए। बात आती है वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे 4 थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस हैं, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1। अगर टेम्परेचर में चेंज इन्फिनिटेजिमली स्मॉल है तो आप ये देखोगे कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और दूसरे एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन उतना ही रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो अपन ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर में चेंज स्मॉल है तो W2 to 3 प्लस W4 to 1 इज इक्वल टू 0। तो जो टोटल वर्क डन है उसको आप ये लिख सकते हो, W इज इक्वल टू W1 to 2 प्लस W3 to 4। और ये वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के अंदर कैलकुलेट की है। तो वर्क डन को अपन ये लिख देंगे, W इज इक्वल टू अल्फा एट T2
इंटू डेल्टा ए माइनस अल्फा एट टी वन इंटू डेल्टा ए, टोटल वर्क डन ये आ जाएगा, अल्फा एट टी टू माइनस अल्फा एट टी वन इंटू डेल्टा ए। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको टी टू माइनस टी वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा एट टी टू माइनस अल्फा एट टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन डेल्टा ए। अपन ने टेम्परेचर में चेंज इन्फिनिटेजिमली स्मॉल लिया था, तो उस केस में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगी, इस टर्म को अपन डिफ्रेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से ये लिख सकते हैं, डी अल्फा अपॉन डी टी इंटू टी टू माइनस टी वन डेल्टा ए। तो अब अपन एफिशिएंसी ये लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह तो मैं ये रख देता हूँ, डी अल्फा अपॉन डी टी इंटू टी टू माइनस टी वन डेल्टा ए, और क्यू वन की जगह अपन ये रख देते हैं, क्यू इंटू डेल्टा ए। लेकिन अपने को ये भी पता है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, सॉरी ये होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अपन इस एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को T1 माइनस T2 अपॉन T1 से इक्वेट कर देते हैं। जब अपन इस T1 माइनस T2 को कट करेंगे दोनों साइड्स में, तो अपन ये देखेंगे एक माइनस साइन आपका रह जाएगा, यहाँ पे T1 माइनस T2 है, यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो एक माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। डेल्टा ए से अपन इस डेल्टा ए को भी कट कर देते हैं ऊपर नीचे, और अब अपन ये देखेंगे अपने पास ये रहेगा माइनस डी अल्फा अपॉन डी टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन, या क्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू माइनस टी वन डी अल्फा अपॉन dt। अब यहाँ पे देखिए, अपन ने T1 जो है उसको तो टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर किया है T, और T2 को अपन ने लिया है टेम्परेचर T प्लस टेम्परेचर में स्मॉल चेंज जो बेसिकली नेगेटिव होगा, क्योंकि T2 जो है उसकी वैल्यू T1 से कम है, T2 इज लेस देन T1, देयरफॉर dt इज नेगेटिव। तो अपन इस T1 की जगह T रख देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस T d अल्फा बाई डी टी, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान थिन फिल्म का सरफेस एरिया यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए इतना हीट अपने को सप्लाई करना होगा। तो ये अपना सॉल्यूशन है। तो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।